तो जय भीम साथियों, सोनू ब्लॉग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। सोनू ब्लॉग फेसबुक लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले के इंद्रगढ़ क्षेत्र में हूं, जो कि विधानसभा क्षेत्र सेवड़ा लगता है। और इस वक्त ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वो मंच आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मंच है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी का, जो कि कल 10 तारीख को जो है दतिया ज़िले की सेवड़ा में पहुंच रही हैं और वहीं जो है कार्यकर्ता सम्मेलन को जो है संबोधित करेंगी। इस वक्त मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूं। लगभग रात के 9 बज रहे हैं। 9 बजे जो है क्या कुछ तैयारियां हैं, सुबह इस डी सर्कल में आना संभव नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि एक दिन पूर्व रात में जाकर आपको दिखाऊँ कि जो डी सर्कल होता है वो किस प्रकार का होता है। हम ठीक पीछे देख सकते हैं, ये तमाम साउंड सिस्टम लगे हुए हैं और ठीक मेरे पीछे जो है मंच बना हुआ है, जिससे कल बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी जो है बोलने का काम करेंगे। ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो मंच है जहाँ से जो है कल बसपा की सुप्रीमो बहन मायावती जी जो है मंच से बोलेंगी। तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए तो मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ कि किस प्रकार से जो है मंच सजाया गया है। ये देखिए, तो आप ठीक मेरे सामने देख सकते हैं मंच सज चुका है और इस पे क्या कुछ लिखा है वो सब मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। सबसे पहले आप पढ़ेंगे, बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हेतु चुनावी जनसभा। मुख्य अतिथि बहन कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएसपी अब पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। 10 नवम्बर दिन शुक्रवार प्रातः 11 बजे सेवड़ा जिला दतिया मध्य प्रदेश। इस तरह से जो है मंच सजाया गया है। ठीक मेरे सामने तमाम ये पूरा बैरिकेडिंग लगाया जाता है। इस तरह से बैरिकेडिंग लगाया जाता है कि परिंदा भी पर ना मार सके। और ये तमाम तैयारियां हैं, लगातार लोग जो है लगे हुए हैं। ये मेरे ठीक सामने आप देख सकते हैं, उसके सामने आपको कुर्सियां नजर आ रही होंगी। ये वो कुर्सियां हैं जिस पर जो है कल आम जन जो है बैठ सकता है और कल सुन सकते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती जी को। इंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र सेवड़ा जिला दतिया मध्य प्रदेश में कल बड़ी जनसभा होने वाली है। उससे पहले की ठीक एक दिन पूर्व की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये सामने वो मंच है, जो मंच तैयार हो चुका है। ज़्यादातर बसपा की जो रैलियाँ होती हैं, खासकर बहन जी की जो रैलियाँ होती हैं, उसमें जो है मंच जो है एक जैसा ही होता है। तो मैं मंच आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से मंच है। ये पूरा मंच तैयार हो चुका है। सामने हाथी जो है लगाए दिए गए हैं बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा, हाथी निशान। और जिस तरह से बसपा बात करती है बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को लेकर, तो आप देख सकते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले आपको देखने को मिल जाएंगे, नारायण गुरु जी आपको देखने को मिल जाएंगे, छत्रपति साहू जी महाराज की छाया चित्र इधर है और वहीं बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी की छाया चित्र इधर है। और मंच की जब हम दूसरी साइड जाएंगे तो हम देखते हैं, इधर आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी हैं, वहीं दूसरी तरफ बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब हैं, वहीं संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो है प्रथमा और जो छायाचित्र आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो है बसपा का मंच सजाया जाता है। ये ठीक सामने आप देख सकते हैं, ये मंच है, ये वो डैश है जिसपे आम जो कार्यकर्ता होंगे इस मंच से जो है इस वाले डैश से जो है आम जनता को जो है संबोधित करती हैं। सीधी तस्वीरें मैं आपको सेवड़ा से बता रहा हूँ, जो कि जिला दतिया मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं। और कल प्रातः 11 बजे और 12 बजे के बीच यहाँ से जो है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी जो है मध्य प्रदेश के तमाम उन कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का काम करेंगे जो बसपा से अपनी आस्था रखते हैं, बसपा को कहीं ना कहीं अपना मानते हैं। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये तैयारियाँ हैं जो किस प्रकार से हैं। ये देखिए, ये पूरा पीछे का ग्राउंड है। अभी मैंने आपको जो है डी सर्कल दिखाया, ये पीछे का ग्राउंड है, ये रोड साइड का मैं आपको बता रहा हूँ। और ये वो जीने हैं जिनसे जो है रंजी ऊपर जाने का काम करेंगे। ये देखिए वो जीने हैं।
इस तरफ से रोड की साइड से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आएंगी और ये पूरा आप सर्कल देख सकते हैं, ये वो जीने हैं, जीने से जो है बहन जी ऊपर जाएंगी। तो मैं ये मंच आपको दिखा रहा हूँ, तो इस वक्त मैं बहन जी के उस मंच पे आ चुका हूँ जहाँ से कल बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी जो है कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। ठीक मैं मंच के ऊपर हूँ और कल हो सकता है एक आम कार्यकर्ता को एक पत्रकार साथी में यहाँ पहुँचने का मौका न मिले, लेकिन देर रात मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और मैं यहाँ की वो तस्वीरें आपको दिखा सकता हूँ। ये दो डैश लगाए जाते हैं, आपको मैं बता दूँ जब भी BSP की कोई चुनावी जनसभा होती है तो दो डैश लगाए जाते हैं, एक डैश इधर है, दूसरा डैश जो है इस तरफ लगाया गया, आपको मैं दिखाऊं, ये दूसरा डैश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो दो AC लगाए हुए हैं, इन इस ये AC यहाँ से जो है कल BSP सुप्रीमो बहन मायावती जी जो है यहाँ से जो है चुनावी जनसभा को जो है संबोधित करेंगे। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, पीछे बैनर लगाया गया है, एक तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती जी की एक लंबी आकार की छायाचित्र लगाए गए, वहीं दूसरी साइड जो है एक होर्डिंग्स लगाई गई जिसमें बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी बड़े छायाचित्र में, और ऊपर से यदि मैं आपको मंच दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से जो है मंच कल नज़र आने वाला है। ये पूरा जो है डी सर्कल है, यहाँ पर जो है सिर्फ सुरक्षा कर्मी रहते हैं, उनके अलावा किसी को भी यहाँ पर आने का मौका नहीं मिलेगा। सामने आप तमाम कुर्सियाँ देख रहे हैं, वहाँ पर जो है आम जन बैठ सकेंगे। वही और सामने की तरफ दिखाऊं तो वो पत्रकार बंधुओं के लिए बनाई गई हैं, इस तरफ भी जो है तमाम कुर्सियां लगाई, मतलब कि एक बड़े तरीके से जो है इस मंच को तैयार किया जाता है। मंच पर जो इतनी सिक्योरिटी रहेगी कि परिंदा भी यहां पर नहीं मार पाएगा। तमाम तैयारियां भी जारी हैं, ये आप देख सकते हैं, अभी भी जो है काफ़ी काम यहाँ पर रह गया, वो काम भी जो है धीरे धीरे चलेगा। एक एक चीज़ सिस्टोमेटिक आपको यहाँ पर मिलेगी, एक कुर्सियाँ भी यहाँ पर डली है, यहाँ पर जो है तमाम कुर्सियाँ डाली जाएंगी। यहाँ पर उन लोगों को मौका मिलेगा जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिले के प्रभारी हैं या जोन प्रभारी हैं या प्रदेश लेवल के जो पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचेंगे उनको जो है यहाँ पर बैठने का मौका मिलेगा। तो ये सीधी तस्वीरें मैं आपको सेवड़ा से दिखा रहा हूँ जो कि मध्य प्रदेश का एक इलाका है, यहाँ पर जो है कल बसपा सुप्रीमो मायावती जी की एक बड़ी जनसभा होने वाली है। तो अभी मैंने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई किस प्रकार से एक बड़ी जनसभा जो है कल बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी की होने वाली है। हो सकता है ये वीडियो आपको पसंद आए, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और कल सोनी ब्लॉग के माध्यम से तमाम बेहतरीन कवरेज देखने के लिए हमें फॉलो जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी।